बोतल बंद पानी या जहर, स्वास्थ्य के साथ कैसा खिलवाड़, पानी के नाम पर जहर, परोसने वाले को मिलेगी कौन सी सजा। काइट एक्वा पैकेट ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर लगी रोक, एसडीओ ने जारी किया आदेश, अनसेफ कैटेगरी में पाया गया। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता। राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता में काइट्स एक्वा पैकेट ड्रिंकिंग वाटर का नमूना की जांच में इसे स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित कैटेगरी का पाया गया। जांच रिपोर्ट और खाद्य विश्लेषक की टिप्पणी के आलोक में दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी ने काइट्स एक्वा पैकेट ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। 3 अप्रैल 2023 काइट्स एक्वा पैकेट ड्रिंकिंग वाटर के निर्माता कंपनी मैसर्स AR एग्रो इंस्ट्रजेस के प्रोपराइटर आनंद गुटगुटिया को पत्र भेजकर काइट एक्वा पैकेट ड्रिंकिंग वाटर पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। आदेश में काइट एक्वा के पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार उपभोक्ताओं से वापस करने को कहा गया। एसडीओ दुमका के आदेश में कहा गया कि काइट एक्वा पैकेज ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ की कैटेगरी के अंतर्गत है, जो अस्वास्थ्यकर, हानिकारक एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है। नियमित पेयजल, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता। इस परिपेक्ष में निर्मित पेयजल के उपयोग से आम जनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने के साथ गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3 ख में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक काइट एक्वा के किसी तरह की पानी की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही अधिनियम की धारा 28 उपधारा 1 के आलोक में काइट्स एक्वा के सारे पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार उपभोक्ताओं से रिकॉल करते हुए अधोहस्ताक्षरित को सूचित करें। फूड विभाग द्वारा सितंबर 2022 में लिया गया है, सितंबर 1, 2022 में, और इसमें जो लोगों ने टेस्ट किया है ये 137 तरह के टेस्ट होते हैं, ये लिस्ट है लास्ट। इसमें सिर्फ तीन टेस्ट में इसको फेल बताया गया है, बाकी 134 टेस्ट में ये पास है। फिर भी जो सरकार की प्रक्रिया है उसको हम पूरा करेंगे, और हमने मार्केट में बोल भी दिया है कि अगर किसी के पास भी उस तारीख का कोई माल अगर है तो कृपया हमें बताएं, हम उसको पूरा विड्रॉ करने के लिए तैयार है और हम लोग विड्रॉ करेंगे। सरकार का आदेश। पानी के शुद्धता का पैमाना पहले से किस तरह से टेस्ट किया जाता रहा है? शुद्धता का पैमाना तो हमारे यहाँ ऑलरेडी लैब है, उसमें टेस्टिंग होती है, और आउटसाइड लेबोरेटरीज से हम लोग को हर महीना टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि सरकार का नियम है वो भी हम लोग कराते हैं, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है। ये 10/2022 की है, 9/2022 की रिपोर्ट है, ये 8/2022 की रिपोर्ट है, हर ये रिपोर्ट है, सब सारी रिपोर्ट ओके है,